फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी कुकिंग विद एकता। आज हम इजी ब्रेकफास्ट रेसिपी बनाने वाले हैं। रेसिपी का नाम है दही के सैंडविच, यानी कर्ड सैंडविच। इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। यहाँ पर ये मैंने लाल वाले गाजर लिए हैं, कद्दूकस कर लिया है, ये मैंने एक बड़ा प्याज लिया था जिसे बारीक काट लिया है, एक बड़ा शिमला मिर्च जिसे बारीक काट लिया है, यहाँ पर तीन बड़ी हरी मिर्ची मैंने ली है, ये है मैगी मसाला, मिल जाता है मार्केट में, एक बड़ा चम्मच मैंने लिया है, आधा छोटा चम्मच मैंने यहाँ पर ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्ची का पाउडर लिया है, ये एक चम्मच नमक है, यहाँ पर थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट मैंने लिया है, आधा चम्मच के करीब ब्लैक सॉल्ट है, एक छोटा चम्मच मैंने यहाँ पर किचन किंग लिया है। साथ के साथ मुझे चाहिए होगा हंग कर्ड। तो ये देखिए, दही में से जितना पानी था वो नीचे आ गया है और मैंने स्ट्रेनर पर इस दही को एक घंटे के लिए छोड़ दिया था। इसी तरीके से हंग कर्ड तैयार होता है। आप चाहें तो दही को एक मलमल के कपड़े में बांध कर उसे टांग सकते हैं ताकि उसका पानी निकल जाए। और मुझे साथ में चाहिए होगा इंग्लिश ओवन का ब्रेड और थोड़ा सा बटर सिर्फ सौते करने के लिए। आइए फटाफट बनाते हैं दही के साथ। बड़े चम्मच दही एक बोल में डाल दीजिए। अब इसमें आप डाल दीजिए अपनी वेजीज और सारे मसाले, सिर्फ आपको इन्वर्ट करने हैं। इन सब चीजों को अच्छे से मिला लीजिए। बाइंडिंग के लिए दही बिल्कुल भी कम नहीं है। हमारा मिक्सचर बनकर तैयार है। इसे लगाएंगे ब्रेड स्लाइसेस पर। थोड़ा सा ट्विस्ट देने के लिए हल्की सी टोमेटो केचप इसके ऊपर डालें। दूसरी साइड फिलिंग भर दें। थोड़ा सा बटर इसके ऊपर से डालें, बिल्कुल थोड़ा सा, बस पलट दें। एक सैंडविच तैयार है। इसी तरह से कम दो सैंडविच और बना लेते हैं। तवे पर बटर को पिघला लीजिए, तवा हल्का गर्म हो जाए, उसके बाद अब इसमें हम सैंडविच रखेंगे। कोट कर दें बटर के साथ। थोड़ा थोड़ा बटर डालेंगे। फैला दें बटर को और दोनों साइड से सैंडविचेस को हल्का ब्राउन होने तक सेक लें। ये देखिए, सैंडविचेस दोनों तरफ से ब्राउन हो गए हैं। गैस को ऑफ करते के साथ ही अब इसको आप हल्का सा बीच में से इस तरीके से काट दीजिए। गैस पर ही वो हिस्से हो चुके हैं। अब इसकी प्लेटिंग करेंगे।